सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोस वायरल होते हैं। कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आप भी अचंभे में पड़ जाते हैं कि क्या वाकई में इन वीडियोस में कोई सच्चाई है या फिर कोई झोल है। अब एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आज के जमाने के भक्त प्रहलाद का। दरअसल ये वीडियो है जिसमें एक बच्चा खौलते हुए पानी की कढ़ाई में बैठा हुआ है, तपस्या कर रहा है। नीचे चूल्हा जला हुआ है, आग लगी हुई है, लेकिन ये बच्चा अपनी तपस्या में मग्न है और यही वजह है कि इस बच्चे को आज के जमाने का प्रहलाद कह रहे हैं। लेकिन क्या बस वीडियो में जितना दिखाई दे रहा है उतनी ही सच्चाई है? जानने की कोशिश करेंगे इस पूरी वीडियो की सच्चाई के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल इंडिया टुडे के फैक्ट चेक ग्रुप के बालकृष्ण हैं जिन्होंने इस वीडियो को देखा, जाना, परखा और इस पर खूब रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने इस वीडियो को लेकर तमाम तरह के कुछ अलग अलग फैक्ट्स निकाले। पहली बात तो ये कि अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस कढ़ाई में सिर्फ एक जगह पर पानी उबल रहा है जहाँ पर फूल रखे हुए हैं, बाकी जगह पर कोई पानी में मूवमेंट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अलग से बर्तन रखा हुआ है जिसमें ये पानी उबल रहा है। लेकिन अगर आप और गौर से देखेंगे तो लगेगा कि ये पानी खौल नहीं रहा है बल्कि इसमें गैस के बुलबुले उठ रहे हैं, जैसा कि बिल्कुल एक्वेरियम में होता है। फिर हमने इसको और गौर से देखा तो पाया कि इस वीडियो में जहाँ पर ये बच्चा तपस्या कर रहा है वहाँ पर उसके बिल्कुल ठीक पीछे एक ऑरेंज कलर की मशीन रखी हुई है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि एक्वेरियम में रखी हुई होती है, और उसके ज़रिए इस कढ़ाई में हो सकता है कि शायद पानी के बुलबुले डालने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि इस मशीन को छुपाने की कोशिश की गई भक्त प्रहलाद के इस बोर्ड के ज़रिए। अब आप ये कहेंगे कि ये बच्चा कढ़ाई में तो बैठा हुआ है और नीचे आग भी लगी हुई है, यानी कि कढ़ाई गर्म तो होगी। अब इस पर भी बालकृष्ण ने रिसर्च की है और बताया गया है कि बाकी कढ़ाइयों की शेप की तरह इस कढ़ाई का शेप दूसरी कढ़ाइयों की तरह नहीं है, बल्कि इसमें ये बताया गया है कि जो ये कढ़ाई है जिसमें ये बच्चा बैठा हुआ है उसके नीचे भी कोई बर्तन की शेप में कुछ रखा हुआ है, जिसकी वजह से जो चूल्हे की गर्मी है वो उस बर्तन में आ रही है बल्कि कढ़ाई में नहीं आ रही है, और कढ़ाई धीरे धीरे गर्म होगी और बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी इस कढ़ाई में नहीं लग सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि जो शेप कढ़ाई का है उसके नीचे शेप दूसरा दिया गया है ताकि जो चूल्हे की गर्मी है वो इस कढ़ाई में ना लगे। इसके अलावा तीसरी बात आती है कि आखिर ये वीडियो कब का है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो बस 2021 का है। लेकिन आपको बताते चलें कि इस वीडियो को जब फैक्ट चेक की टीम बालकृष्ण ने देखा तो पाया कि ये तकरीबन 10 दिसंबर 2019 का बताया जा रहा है। आपको बताते चलें कि YouTube पर इसे देखने पर पता चलता है कि ये वीडियो जो है वो 2019 का है। हालांकि सोशल मीडिया पर तो आपको कई तरह के वीडियोस मिलते हैं, लेकिन आपको उनके फैक्ट चेक जरूर देखना चाहिए। और आप वो कहाँ देखेंगे? सिर्फ न्यूज़ तक पर। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूँगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।